नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोला जी जानकारी वाले पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 15वीं किस्त है उसके बारे में अपडेट देने वाला हूँ कि किस दिन और किस समय आएगी। इसका जो ऑफिशियल आदेश है वो जारी हो चुका है। उस ऑफिशियल आदेश के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों की जो सम्मान निधि की किस्त है वो किस दिन और किस समय पर आपके खाते में आएगी। तो और जिन लोगों की पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनकी सम्मान निधि नहीं आ रही है, तो वो लोग मुझसे कमेंट्स में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनका जो भी समाधान होगा वो कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है वो मैं दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आप लोगों की जो सम्मान निधि है 15वीं जो किस्त है वो किस दिन आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट पर आप लोग आएंगे तो आप लोग साइट पर भी देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का हस्तांतरण 15 नवंबर 2023 खूंटी राजस्थान, मतलब खूंटी राजस्थान से ये जो है इसका शुभारम्भ करेंगे। 15 नवम्बर 2023 से इसकी जो किस्त है वो आना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं और इस पर जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी जो डिटेल्स होगी वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है तो आप लोग देखेंगे इस तरह इंटरफेस आएगा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 15वीं किस्त का हस्तांतरण और किसानों से संवाद, किसानों के साथ संवाद 15 नवम्बर 2023 सुबह 11 बजे। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया कि जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं उनकी जो पीएम किसान सम्मान निधि है वो कल उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी, और जिनकी भी रुक गई है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप लोग मुझसे उसका समाधान पा सकते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों को सारा का सारा आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही।